कल्पना कीजिए कोई ऐसा जगह जहाँ पर कोई भी इंसान कपड़े नहीं पहनता हो, कितना अजीब लगेगी ये बात। ऐसा ही एक गांव है जहाँ धन दौलत के बावजूद इस गांव के लोग कभी कपड़े नहीं पहनते। पर्यटकों पर भी ये नियम लागू है, बेहद दिलचस्प वजह है। ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में अजीबोगरीब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। कई जगहों पर ऐसे मामले आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में जानकर लोगों को काफ़ी हैरानी होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं कि ऐसी जगह के बारे में कि आपको यकीन करना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि मामला ही ऐसा है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोग कभी कपड़े नहीं पहनते? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कहीं गरीबी के कारण तो ऐसा नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि यहां के लोगों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। ये है ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर में मौजूद इस गाँव का नाम है स्पील प्लाट्स। तकरीबन 85 सालों से इस गांव के लोग बिना कपड़ों के ही रहते हैं। इस गांव के लोग पूरी तरह से शिक्षित हैं, धन दौलत भी है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी बिना कपड़ों के रहते हैं। ऐसा करने में किसी को असहज भी नहीं लगता। इस गांव की खोज साल 1929 में इसोल्ट रिचर्डसन ने की थी। जब उन्होंने इस गांव की खोज की तो फैसला किया कि वह चकाचौंध की दुनिया से दूर इस गांव में अपना जीवन बिताएंगी। इस गांव में पब, स्विमिंग पूल, क्लब की भी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, जो लोग इस गांव को देखने आते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन करना पड़ता है। हालांकि अगर सामान लेने के लिए कोई भी शहर या कहीं और जाता है तो कपड़े पहनता है और वहीं लौटते ही वह बिना कपड़ों के हो जाते हैं। इसके अलावा जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो लोगों को कपड़े पहनने की आज़ादी है, या वो किसी और कारण से किसी को कपड़े पहनने की इच्छा होती है तो पहन सकता है। वहीं लोग इस तरह से आपस में घुले मिले हैं कि उन्हें इस बात को लेकर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती कि वह बिना कपड़ों के हैं। कई सामाजिक संस्थाओं ने पहले इसका विरोध भी किया लेकिन बाद में वो बंद हो गया।